दोस्तों हम सभी के मोबाइल फोन में घड़ी दिया होता है एंड घड़ी का यूज हम सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इससे ये जो घड़ी आप देख रहे हो इसके कई सारे ऐसे सीक्रेट फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वॉच के कई सारे ऐसे हिडन और सीक्रेट राज जो दोस्तों आज तक आप लोगों को नहीं पता थी। तो फटाफट दोस्तों आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थोड़ा सा वॉइस ना मेरी गूंज रही होगी क्योंकि यार मैं थोड़ा सा मुंबई से ना अपने गाँव में आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस इशू आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आइए मैं आपको ये जो क्लॉक देख रहे हो इसके सभी सीक्रेट राज या फिर सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कुछ हाईलाइट चीजें मैं आपको बता दूं। दोस्तों ये जो क्लॉक देख रहे हो ना इसके अंदर हम अपनी प्राइवेट फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट एंड सारी चीजें छिपा सकते हैं। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा कि क्लॉक के अंदर ये सारी चीजें कैसे छिपाएंगे, लेकिन अब मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्लॉक नेम की एक एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कैसे इंस्टॉल करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको बता दूं दोस्तों ये नॉर्मल क्लॉक नहीं है, लेकिन बाहर से दिखने में एंड ओपन करोगे तो एकदम नॉर्मल क्लॉक की तरह ही लगेगा। तो सिंपली आपको इसे अपने फोन में इंस्टॉल करना है। कैसे होगा इंस्टॉल मैं बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों यहां पे आप सभी जो सेटिंग्स होती हैं उसे ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पे ओपन करके आपको परमिशन वगैरह दे देनी है। परमिशन देने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पे दोस्तों आपको एक टाइम सेट कर लेना है, या दोस्तों जो भी आप टाइम यहां पे सेट करना चाहो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पे 12:15 सेट कर देता हूं। आप यहां पे देख लीजिए, फिर बीच में आपको क्लिक करना है, फिर वापस से दोस्तों आपको ये ना कंफर्म कर देना है, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए, ओके वापस से यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो ये जो है सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक रिकवरी ईमेल आईडी दे देना है। अगर आप भूल जाते हो पासवर्ड तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है एक रिकवरी पासवर्ड ईमेल दे देता हूँ हिंदी ट्यूटो, ओके यहाँ पे आप देख लीजिए। ऐसे ही आप भी एक जो है कोई भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया है एंड उसके बाद बस आपको इसे डन कर देना है, फिनिश सेटअप, ओके। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें छिपा सकते हो आप खुद देख लीजिए। फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, फोटोज एंड कैमरा से फोटोज क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, या फिर एक अपना फोल्डर बनाकर उसमें अपनी जो भी चीजें रखना चाहो वो रख सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिए मैं कैमरा पे जाता हूँ एंड कैमरा पे जाते ही दोस्तों हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है। हम कोई भी एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, ओके। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये फोटो क्लिक हो गई एंड ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड ये जो है आ जाएगी, आप इसे न्यू फोल्डर में रखना चाहते हैं रख सकते हो, या फिर जिस भी फोल्डर में रखना चाहो, पिक्चर में रखना चाहते हो पिक्चर्स में रख दो। एंड यहाँ पे देखो ये फोटोज जो है हमारी आ चुकी है इसके अंदर। अब यार ये जो है यहीं की यहीं रहेगी जब तक दोस्तों हम इसे यहाँ से डिलीट ना करें और इसे कोई भी नहीं देख सकता आपके अलावा, क्योंकि यहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब कोई इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करेगा ना तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब कि पूरा का पूरा एक टाइम दिखाई देगा। आप देख सकते हो जो रियल टाइम हो रहा होगा वही टाइम यहाँ पे आपको शो होगा, तो उसे यही लगेगा कि ये तो क्लॉक है यार, इसके अंदर क्या होगा। लेकिन जब आप बीच में क्लिक करोगे एंड जो अपना टाइम है वो एंटर करोगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से 15 कर देता हूँ एंड इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सीक्रेट फाइल है या फिर सीक्रेट फीचर्स है इसका वो ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सारी की सारी वो चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहो। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों वीडियोज़ वगैरह भी हाइड कर सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन में कोई प्राइवेट वीडियो है तो वो भी यहाँ पे हाइड कर सकते हो। मतलब कि ये काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते कैसे इसे इंस्टॉल करना है, तो प्ले स्टोर पर आओ, क्लॉक द वॉल्ट आपको सर्च करना है एंड उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आप खुद देख सकते हैं WS करके कोई है जिन्होंने इसे मतलब कि अपलोड किया है प्ले स्टोर पे, तो यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आया हो तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा आपको कुछ दिनों की बात है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।